दोस्तों, आज अपने पास ये एक सनसुई कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, आप देखिए, मैं इसको पावर लगाता हूँ तो इसको मैं डायरेक्ट लगाया हुआ पावर में, और टीवी में पावर आ चुका है तो इसको हमको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ बगल के स्विच से हमने इसको ऑन किया, तो पिक्चर देखते हैं किस तरीके से आ रही है। तो आने दीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं लाइट आई है और किस तरीके से एक बीच में खड़ी लाइन आ रही है, इसको हम लोग ये लाइन भी बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसको हम करके सही करेंगे। आज ओपन करके रख लिया है हमने, तो इसकी सफाई भी हमने कर ली ताकि समय अपना बचे, ठीक है। तो पीसीबी को बाहर निकालेंगे और ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से होता है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँ तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है अधिकतर कर दो जगह से होती है। एक अपना यो कॉइल जब खराब होता है तब, और एक जगह और है अपना जब पीएफ इसमें खराब होता है तब। जो मेन पॉइंट है इसका दोनों यही है, बाकी और जो है कि पार्ट है तो दिक्कत होने से तो होगा ही, लेकिन मेन जो है यही है। फिलहाल अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें से ये आखिर खराब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना यो कॉइल हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का भी मैं तरीका आपको बताता हूँ, सिंपल सा जो एक नॉर्मल ट्रिक है अपना चेक करने का। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको ये जैक निकाल लेना है, ये वाला, आराम से, क्योंकि टाइट रहता है ये, थोड़ा सा आपको आराम से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो रेड और ब्लू वायर है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अपना रहता है, और ये पीला और हरा जो रहता है वर्टिकल सेक्शन का। आपको बस हरा और पीला छोड़ के इस पर नीला और रेड पे ध्यान देना है, क्योंकि यही आपका प्रॉब्लम है अभी मेन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर अपना रेड और ब्लू जुड़ा हुआ है, और आपको सीरीज में से एक वायर लगा लेना है इस तरीके से, जिसको सटाने पर बल्ब जले, ठीक है। अब आपको चेक करना है कहीं ये कॉयल ब्रेक तो नहीं है बीच में। तो आजकल एल्युमिनियम की कॉयल चल रही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखिए सही है, स्पार्किंग हो रही है और सीरीज बल्ब भी जल रहा है अपना, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, ये अपना सही है। तो बात आती है कि ये प्रॉब्लम एक जगह और बची है अपनी, तो कहाँ से हो सकती है। तो बचाव एक है, पीएफ सेक्शन। तो आइए उसको चेक करते हैं, इसमें से कौन सा पीएफ हमारा डैमेज है, क्योंकि इसमें कई सारे पीएफ लगे हैं। यहाँ पे 3 पीएफ लगा हुआ है, अब खोजना यह है कि इसमें से कौन सा पीएफ खराब है। तो इसमें से आपको सबसे पहले 2 पीएफ पे ध्यान देने हैं, क्योंकि एक जो मेन पीएफ होगा, एक या दो जिसमें देखते हैं, तो मैं आपको अभी सर्किट डायग्राम्स के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इसका स्विच का मैं जैक लगा दे रहा हूँ, क्योंकि पीसीबी को हमको पलटना नहीं पड़ेगा फिर से ऑन करने के लिए, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से पलट लिया है, और डायग्राम के हिसाब से अगर हम चलें तो इसमें एक पीएफ ऐसा होगा जो 2000 वोल्ट का होगा, बाकी जो 400 वोल्ट के पीएफ हैं वो अपना अधिकतर कर रही खराब, क्योंकि अगर ये 1600 वोल्ट या 2000 वोल्ट वाला पीएफ खराब होता तुरंत अपना ये आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपना 400 वोल्ट का पीएफ खराब हुआ है, इसलिए आउटपुट ट्रांजिस्टर बचा हुआ है, टीवी ऑन भी हो रही है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट से जुड़ा हुआ है ये जो अपना सर्किट डायग्राम बता रहा है, ये वाला पीएफ। तो इसके बीच में जो पीएफ लगा हुआ है ये 1600 वोल्ट का है, ये बिल्कुल सही है। एक निकल गया पीएफ और बीच में बचते हैं 2 पीएफ, एक इधर बचा और एक यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में से कोई भी पीएफ खराब हो सकता है। तो हमको करना ऐसा होगा, सिंपल सा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक कोई भी, मान लीजिए कोई भी जो नंबर इसमें है या मतलब नहीं भी है, तो कोई भी एक पीएफ लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और इसको हम लगा देते हैं डायरेक्ट पावर में या सीरीज में लगाइएगा, 200 वाट में चल जाएगा। सीरीज में लगा के काम करिए तो काफ़ी जो है आसानी होगी। तो ऐसा है, हमने इसको सीरीज में लगा लिया है, ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं पिक्चर जिस तरीके से आ रही थी, और आने से पहले देखिए हमारा जो है बल्ब बता दिया कि टीवी ऑन हो गई है, ठीक है। लाइनिंग आगे सामने से धूप आ रही है, क्योंकि दोपहर का समय नहीं है, लगभग 4 बजे हुए हैं, तो लाइनिंग आ चुकी है अपनी, देख सकते हैं। और अब इसको चेक करने का सिंपल वे मैं आपको बताऊँ रास्ता। तो आपको लेना है पीएफ कोई भी जो 400 वोल्ट का हो, जैसे मेरे पास ये 105 है 400 वोल्ट, तो इसी से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यही पीएफ मैंने लिया अभी, तो आपको करना क्या है कि ये 1600 वोल्ट वाले छोड़ के बाकी जो बचते हैं एक और ये दो, दोनों पे बारी बारी से लगाने हैं। मतलब पहले मैं इस पर लगाता हूँ, मान लीजिए इस तरीके ऊपर से ही, वैसे ही देखिए यहाँ पर लगाया। तो आगे मैं शीशे में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। लाइट लाइनिंग बन रही है लेकिन कोई पिक्चर में प्रभाव नहीं हुआ। यहाँ पर हमने इसको लगाया ऐसे,
और इसी पीएफ को मैं यहाँ पर अगर लगाऊं, देखिए कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। चेक करने का सिंपल तरीका ये देखिए, कुछ परिवर्तन, पिक्चर पूरी हो गई है। मैं हटाता हूँ, देखिए गायब हो गया। फिर से एक बार फिर से ट्राई लेते हैं, यहाँ से लगाते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से इसको लगाया और आगे सामने पिक्चर अपनी पूरी हो गई है, देख सकते हैं। तो पीएफ चार्ज होगा, इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब हमको करना ये है कि यहाँ पर ये जो पीएफ लगा है इसका नंबर हम चेक करेंगे, ये नंबर किसका है। क्योंकि देखिए अभी हमने चेक करने के लिए कोई भी नंबर से इसको चला लिया है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, आप सेम नंबर नहीं लगाएंगे तो पिक्चर कटने लगेगी, ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, साइड में छोटा बड़ा हो सकता है। तो जो नंबर है सेम नंबर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या नंबर का है ये अपना पीएफ। सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं, ये प्रिंटेड सप्लाई है, मतलब पीसीबी है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसको स्मूथली निकालेंगे आराम से, धीमे धीमे ये निकल जाता है। ठीक है, ये देखिए पीएफ निकल गया और देखने में लग भी नहीं रहा अच्छा। देखिए पीछे से ऊपर से नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पीएफ फटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, और इसका नंबर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ अपने इस टीवी का, तो इसका 394 वोल्ट में है। तो इसके जगह हम देखते हैं अपने पास कौन सा पीएफ अवेलेबल है। अभी जो मैं लगा रहा था ये 105 400 वोल्ट में है, तो फिलहाल मैं खोज लेता हूँ पीएफ। तो मेरे पास अभी मैंने इसको खोजा तो मेरे पास एक 394 का पीएफ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक रखा हुआ है 394 जे, लेकिन इसमें एक परिवर्तन है, देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वोल्टेज का फर्क है, ये 400 वोल्ट में है। तो आइए इसको करके देखते हैं क्या ये 400 वोल्ट वाला पीएफ यहाँ पे काम कर जाएगा या नहीं। तो इसका मैं पिन का पॉइंट यहीं से बना लूँ बराबर, ताकि इनको लगाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, मोड़ लूँ इसको पहले से ही। ओके, यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ और अब इसको हम लगाने के बाद चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको देखिए, आपको एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल कई सारी वीडियो में बताया हूँ, लेकिन इसको देख लीजिए, यहाँ करांगा साफ करने का तरीका बिना डिसोल्ड वायर के, एक वायर की सहायता से आप इसको रंगा साफ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी थोड़ा सा वायर कम मात्रा में है इसलिए दिक्कत कर रहा है, लेकिन हो गया साफ। वायर हमको अभी उछीलना पड़ेगा इसमें। फिलहाल आईसी साफ करने के लिए मैंने इसको लगाया था, क्योंकि वहाँ पर कम मात्रा में डिसोल्ड वायर की जरूरत थी। तो यहाँ पर हमने इसको साफ कर लिया है और इसके बाद हम एक नहीं इसको अब लगा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इसको लगाते हैं, फिर उसके बाद लगाने के बाद मिलते हैं 400 वोल्ट का पीएफ ये वर्क करता है या नहीं। मेरे हिसाब से कर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अपना वोल्टेज अधिक होने से कैपेसिटर चल जाते हैं म्यू एफ बराबर होने पर, उसी तरीके से यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक कैपेसिटर ही है। तो इसको मैं लगाता हूँ, जबकि पीछे से मैंने पिन बराबर किया तो इतना दिक्कत हो रहा है लगाने में। ये देखिए रांगा जो है ना उस साइड का ही साइड आ गया, इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है और इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है, इसको जैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ड्राइव भी है। ठीक है, ये सोल्डिंग हो चुकी है। तो अब पीसीबी को एक बार हम पीछे से पलट लेते हैं, फिर से जैसे पहले था वैसे कर लेते हैं और कुछ जैक इसके हैं लगा लेते हैं, रिमोट के, पीटीसी के, ये सब जैक जो है, क्योंकि मुझे इतना अंदाज है कि ये अब प्रॉब्लम अपनी सही हो जानी चाहिए अगर पीएफ सही होगा तो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे करता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ क्या पिक्चर अपनी सही आएगी या कुछ कटने का जैसा मतलब लगेगा। तो फिलहाल तो अभी मैं सीरीज में इसको चला रहा हूँ, सीरीज में चला के देखते हैं और वीडियो लगा के भी देखेंगे क्या कुछ परिवर्तन ऐसा कुछ। तो अब लोड ज़्यादा देखिए आ चुका है, क्योंकि अब लोड आ चुका है टीवी पर, क्योंकि ये कॉयल अपनी वर्क करने लगी है अब। ये देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर, जो एक कट भी नहीं रहा पिक्चर, और लाइट आने से सीरीज मतलब अपना ज़्यादा हो गया और बंद भी हो गया टीवी। तो अब इसको लगा लेते हैं फिर से पावर डायरेक्ट और अब यहाँ से ऑन करते हैं, तो ऑन हो गई है। वीडियो लगा के बारे में आपको चेक करा देता हूँ क्वालिटी क्या कहती है। ठीक है भाई साहब, ब्लर क्यों हो रहा है, चलिए हो गया। ये भी करते हैं, ये भी का बटन उल्टा सीधा काम कर रहा है।
एवी को काम करना है, रुकिए मैं पीछे से इसको, अक्सर कर बटन खराब हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको शॉर्ट करके काम कर लूंगा अपना। देखिए बिल्कुल परफेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वाला टैक लगाया फिर भी गर्मी से बदन जले आवाज हैं। काफी ज्यादा है। ध्यान से बात करो। देखिए बिल्कुल बराबर है। तो ये पिक्चर कट नहीं रहा दोस्तों, ये वहां से टेलीकास्ट इतना हो रहा है। तो मैं आपको किसी प्रोग्राम पे पूरा दिखाता हूँ, अब देर मत करो। जैसे न्यूज पे आ रहा होगा पूरा, न्यूज देखते हैं इसमें भी हाफ है। क्या नहीं किया उसने? ये देखिए इस बॉक्स में पूरा आ रहा है, इसका मतलब पिक्चर भी पूरी आएगी। माफ कर दीजिए। नहीं देखिए यारों को पता है कि नीचे लिखा हुआ बराबर है, कोई है और आपने कहा था। तो आप सब समझ चुके होंगे अपनी प्रॉब्लम सही। देखिए इसमें पूरा है, देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो इस तरीके के नई नई जानकारी आपको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सब अगर इच्छुक हैं तो कर लीजिए। फिलहाल हम मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ, ठीक है, किसी और नए टॉपिक पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।